Dear students, we will discuss the boat safeguards. These types of safeguards are especially important because the boats can be deceptive. A boat that is not moving at the moment may simply be at the stage between cycles. without warning, it might make sudden and rapid movement. boat Sometimes, chances are there, although we have given commands. चीजें चीजेंट चल रही होती हैं, लेकिन सम टाइम वो अचानक मूवमेंट तेज भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है तो इसलिए वहां पर उसको सेफ गार्ड करना ज्यादा है इंसान के फॉर लॉकआउट सिस्टम लॉक पीरिस इलेक्ट्रिकल एक्सटेंशन नाइन सिक्स फोर हाउ ओपन इट की डेफिनेटली अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है अथोराइज इम्प्लाई इसको ओपन काउंट करेगा जो इम्प्लाई अथोराइज है अनर्जाइज कैपेबल ऑफ बींग लॉकड आउट एनर्जी आइसोलेटेड डिवाइस एनर्जी सोर्स एनर्जी सोर्स एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम लॉकआउट अगर इन सब पॉइंट्स को देखा जाए तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हैजर्ड्स होगी या मशीन की सेफ्टी होगी अगर उसके एस ओ पीज के मुताबिक वो चीज़ें करेंगे तो उसको करने में आप बेहतरीन तरीके से कामयाब हो जाए हैजर्ड्स को फर्दर देखें लॉकआउट डिवाइस टैग आउट डिवाइस एंड टैग आउट डिवाइस अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है लॉकआउट डिवाइस टैग आउट आउट डिवाइस दिस टैग में बाई सिम्सन मैग्रा मेटेन्स डिपार्टमेंट एक्सटेंशन टू वन एट यहाँ पर डेंजर है डेंजर का ये मतलब है कि अगर इसको टेक्निकली डील ना किया गया जो कि इसके एस ओ पीज के मुताबिक है तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब भी रिबोट काम करेगा तो वो लैंग्वेज के मुताबिक काम करेगा आपको मालूम है कि कंप्यूटर के अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हैं जैसा कि ओरकल है और डेटा बेस है जिसमें हम लोग अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं और आई मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसकी मदद मतलब से आप डेटा बेस डेटा बेस इज अ प्लेस इन अ कंप्यूटर वेयर यू स्टोर द डेटा एंड वेन एवर यू विल बी इन नीड ऑफ इट यू कैन रिट्रीव इट इसी तरह रोबोटिक सिस्टम में हम लोग इन चीज़ों को प्लानिंग के तहत लैंग्वेज की मदद से कंट्रोल और ऑपरेट कर सकते हैं जनरल प्रिकॉशंस सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट जनरल प्रिकॉशंस आर एज फॉलोज ऑल ऑपरेटर शुड बी ट्रेन इन देश ऑपरेशन एंड मेन्टेन्स ऑफ देयर मशीन इसमें दो चीज़ें मैंने बयान की हैं पहले जो ऑपरेटर हैं उनको ट्रेंड होना चाहिए नंबर टू और उसकी मशीन की मेंटेनेंस के मुताल वेल अवेयर होना चाहिए नंबर टू आल मशीन ऑपरेटर्स शुड बी ट्रेन इन द एमरजेंसी प्रोसीजर अगर चीज़ें रूटीन में हो रही हैं तो ठीक है अगर एमरजेंसी कोई सडन चेंज आ जाती है उसको कैसे हैंडल करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आल इम्प्लाइज शुड नो हाउ टू एक्टिवेट एमरजेंसी शड डाउन कंट्रोल हर इम्प्लॉ को मालूम होना चाहिए कि एमरजेंसी की सिचुएशन में अचानक चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है मोनिटर कैसे करना है मैनेज कैसे करना है शट डाउन कैसे करना है ताकि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस ना बन सके दिस मीन्स द कंट्रोल आर एंड हाउ टू एक्टिवेट दैम इंस्पेक्शन मेंटेनेंस एडजस्टेबल रिपेयर कैलिब्रेशन ऑफ सेफ गार्ड शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली अगर आप लोग ये चार पांच चीज़ें जो मैंने बोली हैं इनको बाकायदगी से कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म का इंसिडेंट पैदा ही नहीं होगा ये वो जनरल प्रिकॉशनज हैं जिनकी मदद से ऑर्गेनाइजेश्स के टूल इक्विपमेंट प्लांट मशीनरी बेहतरीन वे में काम कर सकते हैं सुपरवाइजर शुड एंशोर दैट सेफ गार्ड आर प्रॉपरली प्लेस वी ट्रेंड इन कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स एंड प्रॉपर यूज ऑफ डिज अब यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स हैं इनका ये मतलब है कि जो आपका सुपरवाइजर है इमिजिएट बॉस है डिप्टी मैनेजर manager है मैनेजर्स है वो भी इन सब चीज़ों से फैमिलियर होंगे अगर आपका जो फर्स्ट लेवल इम्प्लाई है वो काम करने में नाकाम हो जाता है तो सेकंड लेयर ऑफ मैनेजमेंट उसके ऊपर कंट्रोल कर सके या चीज को मैनेज कर सके अदर हु वर्क अराउंड मशीन बट डोंट ऑपरेट देम शुड बी मेड अवेयर ऑफ द एमरजेंसी प्रोसीजर टू टेक वेन एन एक्सीडेंट अकेर वो जो उसके सराउंड में लोग मूव कर रहे हैं उनको मशीन की ऑपरेट करने का इलम नहीं है नो no प्रॉब्लम उनकी वो ड्यूटी नहीं है लेकिन जो अहम पॉइंट है वो ये है उनको एक चीज का इलम होना चाहिए कि अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन अराइज हो जाए तो किस तरह मशीन को शट डाउन करना है ये चीज उन सबको एजुकेट होनी चाहिए ऑपरेटर शुड बी ट्रेन एंड टू दैट दे ड्रेस प्रॉपरली फॉर द दॉब बाज ऐसा होता है कि मशीन के पास जब आप खड़े हैं तो यू ड्रेसिंग मस्ट बी प्रॉपरली प्रॉपरली का ये मतलब है कि जो ड्रेस कोड वहां पे अलाउ है वो पहन के आपने आना है प्रॉपरली का ये मतलब है शॉर्टकट्स दैट safety principles and एंड प्रैक्टिस शुड avoided. अवॉइड बहुत एम्प्लाई शॉर्टकट्स लाश करते हैं शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है इसकी मदद से वहाँ प्रॉब्लम पैदा हो सकती बेसिक प्रोग्राम कंटेंट मशीन सेफ गार्डिंग शुड बी ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड कम्प्रीहेंसव अगर ये तीन चीजें इसमें हैं तो बेसिक प्रोग्राम कंटेंट्स आपके बेहतरीन होंगे रिपीट कर रहा हूँ ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक एंड कंप्र कंपनी सेफ गार्डिंग प्रोग गार्डिंग पॉलिसी पॉलिसी एक जर्नल आउटलाइन है जिसमें रहते हुए हम प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको डिजाइन करते हैं ताकि पॉलिसी में रहते हुए ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जा सके अगर लास्ट पॉइंट इसमें देखा जाए डी एस स्टूडेंट्स तो उसमें यह बयान किया गया है कि मशीन है प्रॉब्लम किस किस्म की हो सकती है फिजिकल हो सकती हैं साइकोलॉजिकल हो सकती हैं ये तो इम्प्लाई के रिलेटेड फिजिकल हो सकती हैं मशीन के रिलेटेड हो सकते हैं लॉकआउट टैग आउट मटीरियल एंड प्रोसीजर्स एम्प्लाई ट्रेनिंग कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन पीरियडिक प्रियोडिकार्डिंग ऑडिट एनुअली एटलीस्ट एनुअल इन सब चीज़ों का ऑडिट होना चाहिए जिससे हमें मालूम हो कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली चल रही हैं या प्रॉपर वे में चल नहीं रही अगर वो प्रॉपरली चल रही हैं एनुअल ऑडिट हो रहा है मशीन ऑपरेट सिस्टम को चेक किया जा रहा है एम्प्लाई एस ओ पी के मुताबिक काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन गोल विल बी अचीव देर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर द मशीन एंड एज वेल एज फॉर योर इम्प्लाईज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन